जॉब या रिलेशनशिप, नई शुरुआत से पहले कुछ पुरानी चीजें मिटाना चाहते हो तो पहले जैसे दिखते थे या जैसा सोचते थे 10 साल पहले की वो चीजें आज शर्मिंदा करती हो तो हमारी पहचान का हिस्सा बन गई डिजिटल दुनिया में मौजूद ऐसी बातें अगर हम हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहें तो ऑनलाइन कुछ ना हो ऐसा बहुत मुश्किल है। कुछ कंपनियों के पास ऐसा बटन होगा जिसे क्लिक करते ही सब मिट जाए, लेकिन क्या ऐसा करवाना आसान है? और अगर हम खुद को इंटरनेट के नक्शे से मिटाना चाहें तो क्या ऐसा संभव है? मान लीजिए कि आपने नई नौकरी के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने आपको इंटरनेट पर खोज लिया। उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन करते हैं। आपके बारे में ऐसी चीजें पता करने की कोशिश क्यों करनी जो उन्हें वैसे पता नहीं चलती? वो जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में वैसे हैं जैसा बता रहे हैं। इसीलिए नौकरी देने से पहले कई कंपनियां ऐसा करती हैं। अगर आप इंटरनेट से खुद को मिटाना चाहते हैं तो शुरू कहाँ से करें? चलिए सोशल मीडिया को देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक से खुद को मिटाना काफी आसान है। सालों साल पुरानी फोटो और कमेंट हटाने हो तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाइए और चुनिए एक्टिविटी लॉग और अपना सारा का सारा कंटेंट हटा लीजिए। लेकिन किसी और ने आपको जिस फोटो में टैग किया था या लोगों से हुई बातचीत को हटाना आपके बस में नहीं। फेसबुक की डेटा पॉलिसी में लिखा है आपकी जो जानकारी किसी और ने शेयर की है वो आपके अकाउंट का हिस्सा नहीं है और आपकी अकाउंट डिलीट करने से वो डिलीट नहीं होगी। अपना फेसबुक अकाउंट मिटा देने से आपकी डिजिटल निशानियां कम तो जरूर होंगी लेकिन क्या पूरी तरह मिट भी जाएंगी? पूरी तरह तो ये कभी नहीं मिटता, कहीं ना कहीं होता है, ऑफलाइन होगा या दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कभी आप उसे वापस लाना चाहें तो आसानी से मिल जाएगा। अगर अकाउंट डिलीट करने की हिम्मत ना हो रही हो तो सेटिंग में जाकर उसे प्राइवेट कर लेना काफी अच्छा आइडिया है। ट्विटर और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी ऐसे ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारा डेटा केवल सोशल मीडिया के पास ही नहीं होता। गूगल, जहां हम जो भी खोजें वो उसकी जानकारी देने वाली साइटों को इंडेक्स के रूप में पेश करता है, जो सबसे लोकप्रिय वो सर्च में सबसे ऊपर। यूरोप में लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने का कानून है, ये हर नागरिक का अधिकार है। अमेरिका में लोगों की निजी जानकारी का प्रबंधन फ्रीडम ऑफ स्पीच के फर्स्ट अमेंडमेंट के हिसाब से होता है। वहाँ लोगों के पास भुलाए जाने का अधिकार है, जिसके तहत गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से कोई भी अपनी निजी जानकारी हटवा सकता है। ये जो रास्ता है वो काफी लंबा है। गूगल आपको जिस जिस साइट की ओर ले जाए उन सब पर जाकर चीजें ऑफलाइन करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी। चाहे तो गूगल को सीधे एक बड़ी रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको गूगल को उसे छुपाने की वजह बतानी होगी। अगर वजह काफी नहीं लगी तो उसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। भुलाए जाने के अधिकार का सबसे प्रसिद्ध मामला 2014 में सामने आया, जब कई मशहूर हस्तियों की निजी तस्वीरें किसी ने हैक कर गूगल पर डाल दी थी। रियाना, किर्स्टन डंस्ट और स्कारलेट जोहानसन जैसे कई सितारों ने गूगल पर 10 करोड़ डॉलर का मुकदमा ठोक दिया, कारण सर्च इंजन पर उनकी न्यूड सेमी न्यूड फोटोज आसानी से दिखाना। ज्यादातर वेबसाइट्स और सोशल मीडिया साइट्स में समस्या को रिपोर्ट करने का कोई ना कोई तरीका है, फेक अकाउंट, गलत जानकारी, बदनाम करने वाला कंटेंट, ऐसी चीजों के लिए। लोगों के कमेंट या राय के बारे में क्या कर सकते हैं? YouTube पर वीडियो के नीचे कमेंट लिखने और पढ़ने में कितना मजा आता है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स का क्या? इसके लिए हर प्लेटफॉर्म के अपने नियम हैं। कोई भी गूगल यूजर अपने कमेंट को पोस्ट, एडिट या डिलीट करने के लिए आजाद है। YouTube पर लिखा अपना पुराना से पुराना कमेंट भी। रिपोर्ट करने के लिए ज्यादातर कोई आसान सा रास्ता होता है, कंटेंट हट जाता है, बाद में कंपनी फिर से उसका रिव्यू कर सकती है। आपके वीडियो के नीचे कोई कुछ भी लिखकर चला जाए तो आप उसे नहीं हटा सकते। गूगल उसे हटा सकता है, लेकिन केवल उस सूरत में अगर वो गूगल की पॉलिसी के खिलाफ हो। ट्रिप एडवाइजर में भी मिलता जुलता सिस्टम है, कोई झूठ मूठ की बुराइयां लिखते तो उसे हटवाया जा सकता है। हाल ही में BBC में खबर छपी कि एक ऑनलाइन ट्रोल को एक रेस्तरां मालिक को हजारों डॉलर भरने पड़े। इस ट्रोल ने ट्रिप एडवाइजर पर उस रेस्तरां का झूठा दुष्प्रचार किया था। तो क्या माने, इंटरनेट से चीजें मिट सकती हैं? मैं कहूंगी नहीं, हम अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, यह बहुत बहुत कठिन है। फायदा यह है कि पुरानी चीजें रहती हैं, हमें बस अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लगता तो यही है कि इंटरनेट कहीं नहीं जाने वाला। हम में से कईयों का अतीत ऑनलाइन है और उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती,
लेकिन अगर कोई इसे हटाना चाहे तो ऐसा करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन काफी मुश्किल है। क्या आपने कभी कोई फोटो या कमेंट हटाने के बारे में सोचा है? लिखकर बताइए।